हैं कि मैंने अभी रिसेंटली ही ये डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है, तो मैंने जो फर्स्ट मीटिंग डिस्ट्रिक्ट अफसरों के साथ ली थी, उसमें मैंने सभी अफसरों को बोला था कि जो जो आपके इलाके में टैलेंट है उस हिसाब से जो जो स्पोर्ट्स वहाँ पर चलती है, जिस किस्म के ग्राउंड्स हैं और जो जो वहाँ पर ट्रेनिंग दी गई हैं उस हिसाब से आप इवेंट कराएँ। तो इन्होंने बोला कि आपको वहाँ फिर आना पड़ेगा। तो मैंने आज फिर बड़गाम जब मैं आया हूँ यहाँ पर, तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक बहुत ही एक ओलंपिक लेवल की एक स्पोर्ट जो जिसका नाम फेंसिंग है, उसकी यहाँ पे एक ट्रेल मुझे दिखाई गई जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी है। और इसको डेवलप करना चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में पूरे कश्मीर डिवीज़न में, ताकि हम इसमें ओलंपिक में मेडल्स ला सकें। क्या कुछ बाकी डिस्ट्रिक्टों में भी कहा कि बाकी डिस्ट्रिक्ट इसमें जो है सभी डिस्ट्रिक्टों में हम कोशिश करेंगे कि ये फेंसिंग के इवेंट्स हों। तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए अगर हमें बड़गाम को ही आगे रखना पड़े और हमारे जो DYSSO यहाँ पे हैं इनको हम रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सारे डिस्ट्रिक्टों में ये इस किस्म के इवेंट ऑर्गेनाइज कराएं। स्पोर्ट्स में क्या होता है कि जो भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होता है उसको एक जीने का सीक्रेट आता है, उसको ये ड्रग्स या गलत किस्म के जो नशे हैं उनमें मुब्तला होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसमें एक कमिटमेंट आती है। और जो ये स्पोर्ट्स है ये फेलियर्स जो होते हैं उनको कामयाबी तक पहुंचाने में ये काम देते हैं, फेलियर से ये घबराते नहीं हैं। तो ड्रग्स वो लोग लेते हैं जो फेल होके वो मस्त रहना चाहते हैं, तो उससे ये स्पोर्ट जो है वो उसको वहाँ से निकालेगी और यहाँ पे उनको एक जीने का सीक्रेट देगी। पता है कि मैंने एक हफ्ता ही हुआ है मुझे ये ज्वाइन किए हुए, तो मैं हर डिस्ट्रिक्ट में देखो आपने सुना भी होगा कि मैं दौरा कर रहा हूँ और वहाँ की स्पोर्ट्स एबिलिटी जो है वो निखार के बाहर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं अभी रमज़ान भी चल रहा है, लेकिन मैंने सभी डिस्ट्रिक्ट अफसर को हदायत दी है कि वो रमज़ान में भी आपने। मेरा नाम फरहान मुश्ताक है, मैं SNW पब्लिक स्कूल का तालिबे इल्म हूँ। आज हमारे स्कूल में फेंसिंग बड़गाम फेंसिंग चैम्पियनशिप हुई थी। मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स आए, यहाँ पर बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पे। और मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ यूथ सर्विसेज एंड सपोर्ट्स का, जिन्होंने हमें यहाँ पे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए। बड़गाम फेंसिंग एसोसिएशन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने यहाँ पे इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए। इवेंट्स होने चाहिए क्योंकि अगर हम बात करें कश्मीर में, यहाँ पे बहुत सारे जो नौजवान हैं वो ड्रग्स में मुबतला हुए हैं, इसीलिए इस स्पोर्ट से ये ड्रग्स कम होते हैं। जो पहला डिस्ट्रिक्ट फेंसिंग चैंपियनशिप इनका हुई है इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स बड़गाम के साथ हुई है। आज ये SNW के स्कूल में हुई है। इसका यही मकसद था कि बच्चों को प्लेटफॉर्म मिले फेंसिंग के लिए, जो कि फेंसिंग एक ओलंपिक गेम है। 1896 से ओलंपिक जब स्टार्ट हुआ तब से फेंसिंग ओलंपिक्स में आई है। अभी तक यहाँ पे इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि इसका इक्विपमेंट बहुत महंगा आता है, और जो कि उस सर इसने आज हमको उन्होंने जो इनका इक्विपमेंट है उनका उन्होंने हमको दिया ये चैम्पियनशिप करने के लिए आया था। आज हमारे जो मिस्टर मोहम्मद रशीद साहब हैं जो जॉइंट डायरेक्टर कश्मीर हैं यूथ सर्विस स्पोर्ट्स के थ्रू, जो कि माई प्राइड जो कि यूथ सर्विस कराती है, जो कि स्पोर्ट्स काउंसिल कराता है, और यूथ सर्विस भी बहुत सारे ऐसे इवेंट्स कराते हैं जिससे बच्चों को कोई और एक ये मिलेगा कि वो यूथ जो ड्रग से दूर रहे। शुक्रिया हम लोग करना चाहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस स्पोर्ट्स जो कि बड़गाम का डिवीज़न है, और स्पेशली मिस्टर मोहम्मद रशीद साहब के जो कि जॉइंट डायरेक्टर जो आज यहाँ पे चीफ गेस्ट भी थे, उन्हीं का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।